एक तुम लोग के बीच में हम कहानी सुनाए थे एक अंकित पटेल नामक छात्र की, अंकित मेहता तो उसका ड्रोन थ्री इडियट्स में जो उसने अपने कॉलेज में बनाया था, जो प्रोजेक्ट का ड्रोन, वो ड्रोन थ्री इडियट में आमिर खान उड़ा रहा था। और उसने जो कंपनी शुरू करी, वो कंपनी तब शुरू करी जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, और उस वक्त हेलीकॉप्टर से भारतीय सेना जो है देख रही थी कि कब कहां पर आतंकवादी हैं, क्या करना है। तो उसने कहा कि ये सारा काम तो हम ड्रोन से भी कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और फिर वहां से जो सफर शुरू हुआ, आज लगभग 3,100 करोड़ का उसका मार्केट वैल्यूएशन है, आइडिया फोर्स कंपनी का नाम है। और मैं समझता हूँ कि अभी भारत में बहुत सारे आइडिया फोर्स, और मैं अभी नीचे इनको दिखा रहा था, जेंटेक जिसने कि भारत का साइबर सर्विलांस डॉग बनाया है, और उस डॉग में बड़ा सारा गन लगा दिया गया है कि अगर कहीं पर डॉग दरवाजा टकराएगा और दरवाजा खुलते ही कैमरा में आया कि आतंकवादी है, तो वहीं से रिमोट से ही उसको गोली भी मार दिया जाएगा। सिपाही को जाकर दरवाजा खटकाने की जरूरत, जैसे देखते ना पिक्चर में हीरो जो है दरवाजा खटका के साइड हो जाता है, और जैसे दरवाजा खुलता है दोनों से गोली। तो आगे से ये काम कौन करेगा? ड्रोन करेगा, साइबर डॉग करेगा। वो साइबर डॉग जो है सीढ़ी भी चढ़ रहा था, हमने देखा नीचे। तो इस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोट टेक्नोलॉजी, इसमें पुलिस के सेक्टर में, आर्मी के सेक्टर में, और उसके अलावा जो सिविल सेक्टर में जो हमारा डिलीवरी का वर्क है, मेडिसिन का वर्क है, उसके अलावा जो हमारा एरियल मैप सर्वे का वर्क है, और बाकी तुम लोग तो देख रहे हो जो शादी ब्याह में फोटोग्राफी के लिए, वो तो खैर एक उसका छोटा वर्क है। जो बड़ा वर्क होने वाला है वो कई, मतलब कई, उसका पैमाना बहुत बड़ा है। आपकी कंपनी जो अभी काम कर रही है, आपने एग्रीकल्चर में भी काम किया, राइट? पहला काम एग्रीकल्चर में किया, वो कैसे शुरू किया? सर जैसे मैंने बताया था, जो हॉबी शुरू करा था हमने अराउंड 2018 में, छोटे ड्रोन जो आप सीख रहे होंगे रेड वाले, उससे शुरू करा था। एंड देन उसके बाद लॉकडाउन आ गया, तो हमें लगा फिर ये तो हम अर्न कर नहीं पाएंगे। हाँ। और ऐसे जो मेरी पढ़ाई हुई है बीएससी एंथ्रोपोलॉजी हुई है, नॉन टेक्निकल है बिल्कुल ही। अच्छा। हमने पढ़ाई दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़े? नहीं सर, हमको टेक्निकल नॉलेज एज ए डिग्री वाइज नहीं है, ये हमने खुद से सीखा, खुद के लिए सीखा। वाह क्या बात है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे लिए तो काफ़ी कम थी, क्योंकि बेसिक ड्रोन आते थे, तो सोचा उससे बढ़िया क्या होगा कि एक जो मेरा प्लान था पहले, बहुत पहले, वो बीटेक करने का, बट टाइम के साथ रियलाइज हुआ, फिर मैंने बीटेक का प्लान ड्रॉप कर दिया था, तो पैसे बच गए थे मेरे। तो पापा से बात करी थी कि आने वाले टाइम में जरूरत पड़ी तो दे दीजिएगा। अरे बस सिखाइए, सभी पैसा बचा के ड्रोन खरीदिएगा। फिर 2021 में हमने वो एग्रीकल्चर ड्रोन बनाया और अपने ही गाँव में शुरू किया सर्विस देना, मतलब खुद से बनाया। हाँ, असेंबल करा। तुम लोगों में से कोई ऐसा एग्रीकल्चर ड्रोन कल ही दिखाएंगे, लाया इन्होंने, और उस एग्रीकल्चर ड्रोन से एक बार में कितना एक एकड़ का छिड़काव हो जाता है? हाँ, हमारे पास ड्रोन जो बनाया था हमने वो 10 लीटर का था, वो 10 लीटर में हम एक एकड़ स्प्रे करते हैं, जो कि मतलब एक हाँ। बार में ड्रोन उड़ेगा तो एक एकड़ खेत का छिड़काव पूरा करके लौटेगा, और हार्डली 7 to 8 मिनट की, मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं सेटअप से लेकर स्प्रेइंग को करने में, 10 मिनट में 1 एकड़ कंप्लीट हो जाएगा। बढ़िया है भाई। यहाँ अगर किसान अपने से जब छिड़काव करता है, वो जो मशीन से करता है, तुम लोग गाँव में देखे हो, तो उसमें एक एकड़ का छिड़काव करने में कितना देर लगेगा? एक घंटा से ऊपर लगेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा समझ, अच्छा हो गया, समझ गया हम, ज़्यादा समझ गया। सब किसान पुत्र यहाँ पे आए हैं, एक बार किसानों के लिए तालियां बजा दो। धरती का सीना चीर करके हमारे लिए अनाज उत्पन्न करते हैं, ठीक है? धरती से किसान खत्म हो जाएंगे तो फिर धरती बचेगी नहीं, जीवन बचेगा नहीं, है ना? तो लेकिन हाँ, अब हम ये कहें कि सारा कुछ श्रम इंसान ही करेगा, मशीन से नहीं होगा, तो भारत पीछे रह जाएगा। चाइना, अमेरिका, वहाँ पर एग्रीकल्चर क्या हो रहा है, बहुत एडवांस होते जा रहा है। तो हमें अपनी खेती को एडवांस करने की ज़रूरत है, और जो परिवार के 15-20 लोग एक खेत संभाल रहे हैं, एक आदमी काफ़ी होगा, बाकी लोग जो हैं वो तरह तरह का जो शिक्षा स्किल लें और अलग अलग कमाई करें, उसी खेत से पूरा पूरा परिवार का पालन करना संभव। ये नीति आयोग का, योजना आयोग का रिपोर्ट जब सुनाया था कि भारत में 35 करोड़ लोगों को एग्रीकल्चर से निकाल करके दूसरे स्किल्स में, दूसरे ट्रेड में रोजगार सिखाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भारत की धरती कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो ये एक ज़रूरत है। तुम लोगों में से बहुत से परिवार ऐसे होंगे जिसके माता पिताजी किसान करते होंगे, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरा बेटा जो है वो अब किसानी में ना रहे, वो कुछ पढ़ लिख करके
तो ये सपना पूरा करने के लिए आए हो और ये एग्रीकल्चर ड्रोन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा अगर पूरे बिहार में ड्रोन के माध्यम से छिड़काव बीज और तो बहुत सारा चीज करना हो। ड्राई आइटम भी उसमें किया जा सकता है। आते हैं सर उसको ब्रॉडकास्टर बोलते हैं, जो भी हम स्विच कर सकते हैं, बट मोस्टली अभी लिक्विड का कर रहे हैं। हाँ, लिक्विड ज़्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि है क्या, यूजुअली हम जो खेत में स्प्रे करते हैं ना मैनुअल मशीन से, वो एटलीस्ट 70-80 लीटर स्प्रे करते हैं और सेम डोज हम इसको 10 लीटर में स्प्रे करते हैं। बट पाउडर फॉर्म में क्या है, पाउडर में अलर्ट हम 50 kg पाउडर में, अगर 50 kg मैनुअल स्प्रे करें हाथ से तो मशीन से भी हम उतना ही करना पड़ेगा। हाँ। तो उसमें एफिशिएंसी नहीं मिलती है। बट लिक्विड अच्छा, मतलब अगर जब लिक्विड से स्प्रे करते हैं तो यूरिया कम लगता है और कवरेज राइट ज्यादा होता है। हाँ, तो ये सब फायदा होगा और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारोबार अभी शुरू होने वाला है ड्रोन के रेंटिंग का। माने तुम्हारे पास ड्रोन है और जिला के कम से कम भी 50 गांव का ऑर्डर आएगा, बुकिंग होगा। कैसे ड्रोन का बुकिंग होगा, समझ रहे हो कि ड्रोन आएगा गांव में और सारा उतना सारा खेत का काम करके, और किसान लोग का जितना जितना बड़ा खेत होगा पर एकड़ का मूल्य ले सकते हो, 1 एकड़ का इतना रुपया लगेगा। तो इस तरह से ड्रोन की बुकिंग होगी, जैसे कैसे भाड़ा पे गाड़ियां चलती है, हाँ वैसे भाड़ा पे क्या चलेगा, और जिस गांव में जाएगा उस गांव का पूरा काम करके वहां से पैसा अर्न करके। आई एम गिविंग यू प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल और ये मॉडल हमको लगता है कुछ लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और लेकिन ये सब चीज़ को बहुत फैलेगा। और एफिशिएंट ड्रोन चाहिए और एफिशिएंट इसमें डिजाइन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ताकि इफेक्टिव तरीके से। अच्छा, एग्रीकल्चर ड्रोन ऑलमोस्ट सबने तो देखा ही होगा, एट लीस्ट वीडियो में तो देखा ही होगा। और ये टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट पुरानी हो चुकी है अभी, लाइक इनोवेशन ऑलरेडी 5-6 साल पुराना हो चुका है। ठीक है, जो भी दिखता है ऑलमोस्ट सेम दिखता है, नया कुछ नहीं दिखता है। अभी जो ड्रोन में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है ना, वो स्वाम ड्रोन की चल रही है। स्वाम ड्रोन से आपने वो देखा क्या, ड्रोन लाइट शो IPL में देखा होगा, ऐसे बहुत ऊपर या फिर ठीक है, जो इनकी टेक्नोलॉजी है काफी फ्लेक्सिबल लेवल की है। बेसिकली नया सीमेंस का बिल्डिंग का जैसे इनॉग्रेशन होगा तब हम यहां पर ड्रोन लाइट शो करवाएंगे। अग्निफाई कंपनी है, महाराष्ट्र की है, वो लोग ये कर रहे हैं और उनका अभी तक 3000 ड्रोन एक साथ उड़ाने का ये सर बोटलेप डायनामिक अग्निफाई की बात, अग्निफाई वो है और बोटलेप डायनामिक, हां बोटलेप डायनामिक भी हैदराबाद की भी है। तो दो कंपनियां अभी भारत में काम कर रही है, एक साथ 1000 ड्रोन उड़ते हैं, कंप्लीटली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वहां पर कुछ भी मैनुअल ऑपरेशन, कोई ऑपरेटर, कोई ड्रोन पायलट लाइसेंस कुछ नहीं। सारे ड्रोन जो है वो अपने अपने पोजीशन से उड़ेंगे और सिंक्रोनाइज होकर के उनमें लाइटिंग, उनमें फॉर्मेशन बनेगा, कब लाइट ऑन होगा, कब ऑफ होगा, कौन सा लाइट किस कलर का ऑन होगा, सारा कुछ प्रोग्राम से कंप्यूटर से ऑपरेटर होता है। तो ये एक अपने आप में, और ये अभी हो रहा है ड्रोन शो के लिए, कल को इसी तरीके से दुश्मन पे हमला करना होगा, चाइना पर, पाकिस्तान पर, तो हमारे ड्रोन एक साथ उड़ेंगे, शेप बनाएंगे और अटैक करेंगे। तो पाकिस्तान वाले पर टाइम लगेगा समझने में किधर से आ रहा है, तभी तो इधर से आ रहा था, पीछे से आ रहा है, बोलेगा चीटिंग करता है।